एक पैसे दुनिया जीतने का सपना, सच्ची कहानी। सुधा चंद्रन का जन्म 21 सितंबर 1965 को मुंबई महाराष्ट्र में हुआ था। वह एक प्रतिभाशाली नृत्यांगना थी, लेकिन एक सड़क दुर्घटना में उनका एक पैर काटना पड़ा। यह उनके जीवन का सबसे बड़ा झटका था। डॉक्टर ने कहा कि वह फिर कभी नृत्य नहीं कर सकेंगे, लेकिन सुधा ने हार मानने से इनकार कर दिया। उन्होंने कृत्रिम पैर के सहारे फिर से नृत्य सीखने का साहसिक फैसला लिया। सालों की कड़ी मेहनत के बाद सुधा ने मंच पर अपनी पहली प्रस्तुति दी। उनकी कला और आत्मविश्वास ने सभी को स्तब्ध कर दिया। आज सुधा चंद्रन अपनी अधिक इच्छा शक्ति और मेहनत के लिए दुनिया भर में जानी जाती है। बहुत बहुत धन्यवाद।